साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। पिछले कई दिनों से बबीना के बघौरा और शेखर घाट पर बालू माफिया सक्रिय हैं, जो लगातार बेतवा नदी का सीना छलनी करने पर तुले हुए हैं। बबीना पुलिस की लाख सक्रियता और चौकसी के बावजूद भी यह बालू माफिया मौका देखकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पुलिस से लुका छुपी करके बालू का खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर बराबर इन घाटों का पुलिस द्वारा गश्त किया जा रहा है, लेकिन यह बालू माफिया इतने शातिर हैं कि गश्त के दौरान बघौरा और शेखर घाट से अपनी मशीनरी को हटा लेते हैं, जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि बालू माफियाओं में पुलिस का खौफ है और खनन नहीं हो रहा है। बालू माफियाओं द्वारा किए जा रहे बालू के खनन के संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में इन बालू माफियाओं द्वारा ट्रैक्टरों से बालू का खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह बालू माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में बालू लेकर उनके खेतों से निकलते हैं, जिससे उनके खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कभी कभी जब दोपहर में पुलिस का गश्त नहीं होता तो इन बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि यह गाँव की छोटी छोटी गलियों से भी अपने ट्रैक्टर लेकर निकलते हैं, जिससे गलियों में खेलने वाले बच्चों के लिए चोटिल होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों द्वारा जब इनका विरोध किया जाता है तो यह दबंग प्रवृत्ति के लोग झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन बालू माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए घाट पर जगह जगह खाई खुदवाई गई है, ताकि घाट पर ट्रैक्टर ना पहुँच सकें। लेकिन यह बालू माफिया इतने शातिर हैं कि खाई को पूर कर भी बालू का खनन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की सच्चाई को परखने के लिए हमारी टीम ने बघौरा जाकर कुछ महिलाओं से बातचीत की, तो क्या तथ्य निकल कर सामने आए, देखिए यह रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बघौरा। क्या समस्या है आपके गांव की? सर, समस्या ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये हमारे यहाँ जो नदी है वहाँ से बालू का खनन हो रहा है। मतलब बालू का खनन हो रहा है, गांव है, गांव में बच्चे तो खेलते हैं, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, रास्ता छोटी छोटी हैं, उल्टा अवैध उसका खनन अगर रोक रहे हैं ट्रैक्टर को तो बोलते कि मतलब मारपीट की धमकी देते। वो खेतों से भी निकलते हैं क्या? हाँ, खेतों से भी निकलते। खेतों में नुकसान? हाँ, खेतों का नुकसान होता है, क्यों नहीं होता? अगर खेत से निकलेंगे अपनी फसल है तो नुकसान तो होगा ही। क्या कहते हैं पुलिस? ऐसे ही बस हाल की चाल में बोल देते कि हाँ ठीक है, लिख ली रिपोर्ट, बाद में उसका कोई सोल्यूशन ही निकलता। तो यहाँ पे मतलब निगरानी के लिए पुलिसकर्मी आते हैं कब? कभी कभार, कभी कभार। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या समस्या आपके गांव में, ये मतलब ये जो समस्या है? जब तो ये नदी से बालू काढ़ा जा रहा है और ऐसे हमारे खेतन में नुकसान कर रहा है, खेत पूछ रहा है और रूक से धमकी दी मार रही थी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? जा चाह रहा है सरकार जाकर रोक दे, बालू निकाल रहे हैं और बच्चे खेलते हैं तो गली से निकलते हैं तो कोई बच्चों ने धमकी देते हैं, लड़ने को आ जाते हैं। बबीना पुलिस से क्या उम्मीद है आपको, क्या चाह रही है? बबीना ये है कि बंद हो जाए घाट। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल कसने का काम किया जा रहा है, तो वहीं बबीना के बघौरा और शेखर घाट पर बालू माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बेखौफ बालू के खनन में लिप्त हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन बालू माफियाओं को सफ़ेद पोषों का संरक्षण प्राप्त है। अब देखना यह होगा कि जिले का खनन विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रधान संपादक मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।